डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी रावलपिंडी और सूबाई विजिलेंस कमेटी पंजाब ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के तामों से ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अब्दुल्ला महमूद ने अपने ख्याल का इजहार किया। लेबर ऑफिसर्स जो हैं बड़े प्रो एक्टिव थे, साथ फिर जो हमारे टारगेट ग्रुप्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, चाहे वो ब्रेक के वाले हैं, चाहे वो कोई और उनका भी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है, वो एक्टिवली मुझे नहीं याद पड़ता उन्होंने कभी कोई सेशन मिस किया हो, कोई मीटिंग मिस की हो, क्योंकि एक टू वे स्ट्रेटजी है, दोनों साइड को रियलाइजेशन हो। मुझे अच्छी बात ये मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने जो आपका टारगेट ग्रुप है उसको भी ट्रेन और अवेयर किया इसके अंदर, इट्स नॉट जस्ट दी योर ऑफिसर्स जिनको आप लोगों ने किया। लेबर कानून में तरमीम पर रोशनी डालते हुए सीनियर लॉ कंसल्टेंट डॉक्टर जावेद गिल ने तकरीब से खिताब किया। इट डिपेंड्स कि आप जब बनता है तो रिहैबिलिटेशन का मैकेनिज्म है कि आप बेसिकली अगर थोड़ा सा इस पे करें आप स्किल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, रीएम्प्लॉयमेंट पे बात काम कर सकते हैं, एजुकेशन पे बात कर सकते हैं, यानी देयर आर नंबर ऑफ एरियाज। कोई किसी ने बिजनेस शुरू करना है, किसी ने माइक्रो क्रेडिट लेना है, तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, PRSP, NRSP, लोकल NGOs, देयर आर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। और मसला ये है कि हम इस फोरम पे बैठ के अपने अपने एरिया में बॉक्स से बाहर निकलें, आइसोलेशन में काम ना करें और एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। तो रिहैबिलिटेशन और फ्री हमने उसको फोकस कर दिया, रिहैबिलिटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरवेंशन के मसलन शनाख्ती कार्ड के हवाले से मसला है कि क्रेडिट उसको नहीं देना, माइक्रो क्रेडिट से लिंक नहीं हो रहा, मैं आपको मेल कर दूँगा। ट्रेड पर बड़ा असर पड़ता है जिसमें बहुत सारी मिसालें हैं, सुपर मॉल के हवाले से, गारमेंट्स के हवाले से या इसी तरह, और इवन ब्रिकलैंड के हवाले से। तो SDGs, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इस पर आजकल मैं काम कर रहा हूँ, तो ये वर्कर्स के हवाले से इसमें गोल 8 है जो कि वर्कर्स से रिलेट करता है एम्प्लॉयमेंट से। लेबर कानून में तरमीम से मुतालिक मुनक्की तकरीब में डायरेक्टर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डॉक्टर फजल ने भी अपने ख्याल का इजहार किया। 80,000 रुपया आप लोग एक बंदे के खाते में डाल सकते हैं, लेकिन आपके कुछ डेट जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें टाइम टू टाइम आता है और लोग कंप्लेंट भी करते हैं। बाकी हमने आपकी फेवर के लिए ये किया है कि प्रोफेशनलिज्म, जो स्पेशली लोग ब्लैक मेलिंग में यहाँ आते हैं, हमारे पास वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ पिंडी में बल्कि सारे डिस्ट्रिक्ट में आता है कि एक यूनियन ना किस्म की यूनियन और फिर बटनों को जाकर इंस्पेक्शन करना, उसका हमने सारा इफेक्टिवली डिस्कस किया। हमने लोकल यूनियन डिस्ट्रिक्ट कर रखी है, तकरीबन जितने भी डिस्ट्रिक्ट मेरे पास है अप्रॉक्सीमेटली सारों में है, और हमने लोकल बंदा जो है वो यानी यहाँ का लेबर क्लास का एक बनते कि बंदा यूनियन में डाला हुआ है ताकि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सके। इस मौके पर सीनियर लॉ ऑफिसर लेबर डिपार्टमेंट रावलपिंडी मोहम्मद शाहिद ने तकनीक की अहमियत पर बात करते हुए अपने हालात का इजहार किया। जी थैंक यू, मोहम्मद शाहिद मेरा नाम है और मैं जी सीनियर लॉ ऑफिसर हूँ लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। आज हमने रावलपिंडी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ILO के तावन से और लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का एक सेशन का यहाँ पर इनेकाद किया गया। जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी है ये बेसिकली डील करती है टू कर्ब द बॉन्डेड लेबर अवेलेबल इन द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। ये बॉन्डेड लेबर एवोल्यूशन सिस्टम एक्ट 1992 और जो एज अमेंडेड इन 2018 के तहत ये बनी हुई है, इसमें जो इसको जो चेयर करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो इसको चेयर करते हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो इसके मेंबर्स हैं। इस कमेटी का मेन काम ये है कि जो बॉन्डेड और फोर्स्ड लेबर है उसको एलिमिनेट करना, इसकी अवेयरनेस करना और जो कंसोलिडेटेड एफर्ट्स करना विद रेफरेंस टू एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, मिनिमम वेजेस को इंश्योर करवाना, इसके साथ साथ जो कंप्लेंट्स हो, ग्रीवियंस पटिशन हो वर्कर्स और दीगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उन तमाम ग्रीवियंस पटिशन को एड्रेस करना, इसके साथ साथ जिन सेक्टर्स के अंदर बॉन्डेड और फोर्स्ड लेबर है वहाँ से उन तमाम को उसको क्लियर करना। यहाँ पर तमाम लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, इसको जो आज प्रिजाइड ओवर और कंक्लूड किया वो अब्दुल्ला साहब थे जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने इसको कंक्लूड किया और अपनी रिकमेंडेशंस की। इस कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस के इख्तिताम पे तमाम पार्टिसिपेंट्स ने एक नेक्स्ट ईयर के लिए DVC के लिए एक एक्शन प्लान भी मुरतब किया, जिसमें DVC के जितने फंक्शंस हैं उसके आगे उनका लाहेमल तैयार किया कि हम उसको किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उसके लिए क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या हम फ्रेमवर्क अख्तियार करेंगे, कौन से हम स्टेप्स लेंगे ताकि जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे तरीके से एक्चुलाइज हो सकें।
इस मौके पर सिंध की नुमाइंदगी करते हुए लेबर कंसल्टेंट गुलफाम नबी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। एज ए लेबर कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ ILO के साथ। आज हमें मौका मिला यहाँ पे जो निश्चित हुई थी रिगार्डिंग एक्टिवेशन ऑफ DVCs और चाइल्ड एंड बॉन्डर लेबर पे, तो यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी भी हुई और सबसे अच्छा उस वक्त लगता है जब मुख्तलिफ सूबे जो आपस में काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आज यहाँ आने से मैंने बहुत सारी ऐसी नई बातें सीखी हैं जो हमारे सिंध के लॉ में नहीं थी लेकिन पंजाब के लॉ में हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी इस किस्म की नशस्त, और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे इंटर प्रोविंशियल इस किस्म की और भी नशस्तें हों तो उससे हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। एक सूबा अपने दूसरे सूबे के साथ मिल के उनके गुड प्रैक्टिस को अपना सकता है और बहुत सारे काम करेंगे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ ILO का, पंजाब गवर्नमेंट डायरेक्टरेट जनरल लेबर का कि उन्होंने हमें बुलाया और इस नशस्त में बैठ के हमने बड़ी सैर हासिल बहस की जिसमें वर्कर, एम्प्लायर, गवर्नमेंट सारे नुमाइंदे शामिल थे। और जब हम तीनों फरीक मिल के कोई काम करेंगे तो इंशाल्लाह वर्कर की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे काम होंगे। बहुत शुक्रिया।